इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। एक था कपिल, एक था धोनी, वही अमर रहेंगे, उसकी जगह इंडिया में कोई नहीं ले पाएगा। धन्यवाद। माननीय भाई साहब, आप रोहित शर्मा जी को भूल गए। एक अथक प्रयास होता है, दिल में जुनून होता है, और आज भारत T20 वर्ल्ड कप जीत हासिल की, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, हर हर महादेव। हमारे भारतीय टीम के कैप्टन कितने डाउन टू अर्थ हैं, जीत की खुशी भी है और साथ ही ये बात भी बताना आपको जरूरी है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप लोगों का था विराट कोहली और रोहित शर्मा जी का। बहुत ही ये अच्छा मोमेंट था कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया और भारत को एक नई जीत दिलाई। बहुत बहुत धन्यवाद केवल उन्हीं का नहीं, भारत के प्रत्येक खिलाड़ियों का जो उनके उत्साहवर्धक में साथ थे और जो वहाँ प्ले भी किए। Congratulations to India, led by Rohit Sharma. ICC Men's T20 Cricket World Cup Champions 2024. ट्रॉफी लेते समय रोहित शर्मा जी का उचाल और सबके चेहरे पे जो अलग सी खुशियाँ थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको इस जुबान से मैं बयां ही नहीं कर सकता। अदम्य साहस और एक अच्छी जीत पूरे भारतवासियों को भाव विभोर कर दी है एक खुशी के तौर पे। बहुत अच्छा लगा और ये मोमेंट को भूला नहीं जा सकता। काफ़ी सदियों तक आपके इन प्रयासों को हम भारतीय याद करते रहेंगे और शुभकामनाएं देते हैं कि भारत हर मैचों में ऐसे ही अग्रणी कहीं ना कहीं प्रयासों के साथ आगे बढ़ता रहे और भारत को हर मैचों में जीत हासिल मिलती रहे, यही शुभकामनाएं देते हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए, मेरी तो आंखें भर जा रही है खुशी, ऐसी खुशी जब जानते हैं क्या होता है, जब आप मेहनत करते हैं ना, अब मेहनत के बाद जो परिणाम मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है कि आप मेहनत करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। इट मीन्स जब आप हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद परिणाम जो आपका होता है वो सक्सेसफुल रहता है, जो आप चाहते हैं, फिर खुशी की जो प्रसन्नता होती है ना, उसको आप जाहिर ही नहीं कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ मेरी फीलिंग आप तक जरूर जा रही होगी और मेरे इन लफ्जों को, इन इमोशन को आप फील कर पा रहे होंगे लास्ट तक भी। The emotion run, Virat, what does this mean to you? Well, this was my last T20 World Cup, and this is exactly what we wanted to achieve. This is an amazing game. I was telling Rohit today when we went out to bat, I was like, one day you feel like you can't get a run, and then you come out and then things happen. God is great. I bow my head in gratitude. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team on the day that it mattered the most. It was a different Virat Kohli we saw today, the Virat Kohli we'd seen all these years. What prompt? ये जो पल था, विराट कोहली जी का जो स्टेटमेंट था, वो थोड़ा सा संवेदनशील था हम सभी फैन के लिए, क्योंकि इनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप था। विराट कोहली जी का, रोहित शर्मा जी का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, लेकिन जो उन्होंने आउटपुट दिया पूरे भारतवासियों को उत्साह के तौर पे, एक जीत के तौर पे, वो कभी भुला नहीं जा सकता, वो तो फिर अमर है। चलिए कोई बात नहीं, इनका लास्ट था लेकिन उन्होंने जो दिया वो बेहतरीन था, लाजवाब था। और भारत के जो अभी खिलाड़ी टेक ओवर कर रहे हैं वो चीज़ें बेहतर हमेशा कर पाएंगे, यही शुभकामना देते हैं। भारत के कोने कोने में खुशियाँ का माहौल तो बना हुआ है, लेकिन साथ ये वीडियो भी देखिए जिसमें पाकिस्तानी भी खुश हो रहे हैं और डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। ये बेहतरीन होता है कि आसपास के भी जो देश हैं, जब आपके अगल बगल के देश किसी भी वर्ल्ड कप में या मैचों में या किसी भी कहीं ना कहीं गेम में जीतती है ना, तो लगता है कि अपने ही देश जीती है, ये होता है। तो वीडियो देखिए आप।
मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का। जय शाह ने कहा और हमारे खिलाड़ी, हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी झंडा हकीकत में गाड़ दिए। ये होती है खुशी और ये होता है जुनून, एक होता है अथक प्रयास, ये होती है कड़ी मेहनत जो आज हम लोग पा सके हैं जीत। तो जय शाह का भविष्यवाणी आज सही हो गया, सही इस तौर पर नहीं हुआ कि वो भविष्यवाणी कहे थे या उनकी बातें सच्ची निकली। बातें ये है कि हमारे भारतीय टीम के खिलाड़ी अथक प्रयास किए, कड़ी मेहनत की, तब जाके ये हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है। तो जय हिंद। और रोहित शर्मा जी और विराट कोहली के हाथों में ये ट्रॉफी कितना जच रही थी, कितना जच रही है। वास्तविकता यही है कि भारतीय टीम ऐसे ही झंडा गाड़ती रहे हर जगह, और यही शुभकामनाएं भी है, और हार्दिक पांड्या जी का भी अलग ही जवाब है। आज झंडा वो भी गाड़ दिए और काफ़ी अच्छा खेले, सभी प्लेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को विजय दिलाई। यही तक का वीडियो रहा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी बधाई दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।